हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर मैथ एंड साइंस टीचर। मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ लेसन नंबर 5 क्लास 5th का, जिसका नाम है एयर स्पोर्ट्स लाइफ। ठीक है, हाइलाइट्स देखिए क्या क्या हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर कैसे होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एयर की, और एयर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये आपका जंप स्टार्ट है जिसके अंदर फिलिप्स हैं, मैचिट हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। एक और चीज़ कि आप इसको जितना लेसन को रीड करेंगे आपको उतना ही लेसन क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रीड करवा रही हूँ, आपको ये कंटिन्यूसली तब तक रीड करते रहना है जब तक आपके पास ये लेसन के क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। ठीक है, और इसको जंप स्टार्ट यानी कि जो ये फिलिप्स हैं, मैचिट हैं, इनको अच्छे से रीड करना है। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेयर्स ऑफ अ अर्थ एटमोसफियर, एयर, देखो एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हमें पता है कि हर जगह एयर है, जहाँ भी जाओ वहाँ एयर है, एयर के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, एयर इज़ एसेंशियल फॉर, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑल द लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। एयर फॉर्म्स अ थिक लेयर दैट कवर्स द अर्थ, दिस लेयर इज़ नोन एज एटमोसफेयर। ठीक है, और जो एटमोसफेयर एक गैसियस एनवलप है जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या मिलते हैं, जिसके अंदर कंसिस्ट होते हैं, और एटमोसफेयर कीप्स द अर्थ वॉर्म एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सन। जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं ना, किरणें, सूरज की किरणें होती हैं, वो ये एटमोसफेयर ही हमें उस किरणों से प्रोटेक्ट करता है। समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो सूरज हमें बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट लगा लो करता है और उसकी किरणें, तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे जो एटमोसफेयर होता है वो एनवलप होता है, वो उस चीज़ को ले नहीं पाता पूरी तरह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे देखिए क्या लिखा है कि इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अर्थ, अलाउ लाइफ टू एग्जिस्ट, इन द अब्सेंस ऑफ दिस लेयर वी वुड नॉट वुड गेट बर्न बाय इंटेंस हीट। मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में बता देती हूँ कि क्या है, कि जो एटमोसफियर है वो हमारे अर्थ के डेंसेस्ट होता है, मतलब बिल्कुल नियर, एक थिनर लेआउट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखिए क्या है, लेयर्स होती हैं अर्थ पे, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की सबसे छोटी जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, देन स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर है, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं और ये एटमोसफियर लेयर्स हैं। ठीक है, ये पूरा एटमोसफियर जो है कंप्लीट करती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर का क्या काम है, ये लोवेस्ट लेयर है जैसे कि आपने देखा, और ये 15 किलोमीटर अप्रोक्सी, मतलब अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर अप्रोक्स होती है। दिस लेयर इज रिच इन ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ठीक, तो प्राइमरली क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ऑल वेदर चेंजेस लाइक रेन, स्नोफॉल, क्लाउड इसी लेयर में अकर करता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है कि दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ एटमोसफियर, और ये 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन लेयर ऑफ स्पेशल गैस विच इज़ कॉल्ड ओजोन, और ओजोन लेयर का सुना है ना आपने, जो कि इस अगर हमें ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं अगर हमें कमिंग, मतलब हार्मफुल होती है ये बहुत ज़्यादा, और अगर ये ज़्यादा ही हो जाए तो ये स्किन कैंसर का कारण भी बन सकती है। ठीक है, मेसोस्फीयर ये क्या होता है कि 50-80 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये कोल्डेस्ट होती है ऑल ऑफ द लेयर्स। ठीक है, मेटल्स दैट एंटर द अर्थ एटमोसफियर फ्रॉम आउटर स्पेस गेट बर्न टू द लेयर एंड डू नॉट हिट द अर्थ। आगे थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि 80-640 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अबव द अर्थ सरफेस होती है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, स्पेस शटल्स, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये सब कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि लेयर रिफ्लेक्ट करता है रेडियो सिग्नल्स को जो ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, कम्युनिकेशन होती है ना, रेडियो कम्युनिकेशन, वो इसी से ही होती है।
दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन विच द अर्थ एटमोसफियर मर्जिज विद स्पेस. दिस लेयर एक्सटेंड 640 to 1000. ये सबसे ज़्यादा ऊपर वाली लेयर होती है और ये इम्पोर्टेंट होती है, मतलब सस्टेन लाइफ ऑन अवर प्लेनेट. ठीक है, आगे कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जिसकी टिप पे लाई करता है वो कौन सा एटमॉस्फेयर है, विच इज ट्रोपोस्फियर, क्योंकि यहीं पे ये रेन वगैरह सब कुछ इसी एटमॉस्फेयर लेयर पे होता है. ठीक है, ये आपका लेटेस्ट ट्राई है, पार्ट वाइज जो मैं आपको भेजती रहूँगी. नेक्स्ट वन इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर, कि एयर की कंपोजिशन कैसे होती है. एयर इज मेनली मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, तो ये सारी चीज़ों से मिक्स मिलके बना होता है एयर. ठीक है, ऑल दीज कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एयर इन डिफरेंट क्वांटिटीज. नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन एट में 78% होता है ये एटमॉस्फेयर में. ठीक है, और ये कंबंशन को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता और कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसको यूज़ नहीं कर सकते लिविंग बींग्स. ठीक है, और एनिमल्स गेट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से नाइट्रोजन. जब एनिमल्स लगा लो, जब एनिमल्स और प्लांट्स मतलब डाई आउट हो जाते हैं तब हमें जाके नाइट्रोजन मिलती है. ठीक है, ऑक्सीजन तो आपको सबको पता ही है, सेकंड मेजर कंपोनेंट है लेकिन ये, और 20% है ये और एटमॉस्फेयर में. और ये वाली जो गैस है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए. ठीक है, और इट इज़ रेप्लेनिश्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स है उसको रेप्लेनिश करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा कम 0.03% है अर्थ एटमॉस्फेयर में, और ये क्या करती है प्लांट को उनका खाना बनाने में हेल्प करती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट क्या करते हैं उसको अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन करते हैं. वाटर वेपर इट इज़ वेरी माइनर कंपोनेंट ऑफ एयर, इट इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन वाटर साइकिल. ठीक है, ये आगे इसका लेटेस्ट ट्राई. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़ में आपको क्लियरली बता दूं कि देख एयर ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस भी होता है. एक रूम ले लो अगर आप, और उसमें अगर आप कोई गैस को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वो पूरा रूम ही अब्सॉर्ब कर लेगा, तो इसका मतलब वो स्पेस है रूम में एयर अब्सॉर्ब करने के लिए. प्रेशर एग्जर्ट करता है, वेट होता है एयर में. अगर फुटबॉल में हवा है तो वो भारी होती है, नहीं है हवा तो वो नहीं भारी होगी. ठीक है, वेट का फ़र्क हो जाता है. वाटर वेपर होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है एयर. आगे हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की. एयर पोल्यूशन देखिए हार्मफुल होती है, केमिकल्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इन सब गैसेस में जो भी केमिकल्स भर जाते हैं वो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं. जैसे कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं. डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस, ये सब एयर पोल्यूशन का कारण है. और इसको रोका कैसे जा सकते हैं, इसको रोक सकते हैं हम कि प्लांटिंग मोर ट्रीज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कार और बाइक से ज़्यादा हम साइकिल को यूज़ करेंगे तो हमें देखो पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, और रिसाइकलिंग वेस्ट, जो भी वेस्ट आप फेंक देते हैं उसको रिसाइकलिंग करके यूज़ कीजिए तो भी नहीं होगा. ओके, तो ये आपका लेसन था, इसको अच्छे से रीड करिएगा, बुक वर्क को बुक में और क्वेश्चन आंसर्स को फेयर नोटबुक में करिएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू, बी सेफ एंड बी हेल्थी.